नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। खबर रीवा जिले से है, जहां नईगढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बरोहा पश्चिम टोला में एक फर्जी लाइनमैन को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वही फर्जी जेई मौका पाकर फरार हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इन फर्जी लाइनमैन के द्वारा कई दिनों से अवैध वसूली की जा रही थी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि फर्जी लाइनमैन के पास से एक वसूली लिस्ट भी मिली है, जिसमें देवरी से ग्राम बरोहा गांव के ग्रामीणों का नाम दर्ज है। ग्रामीणों ने बताया कि जब लोगों को शंका हुई कि यह फर्जी लाइनमैन है, तो ग्रामीणों ने नईगढ़ी लाइनमैन दीपक विश्वकर्मा को फोन लगाकर तुरंत बुलवाया और फर्जी लाइनमैन की पहचान हुई। फर्जी लाइनमैन ने बताया कि वह देवतलाव डीसी से आया है। देवतलाव डीसी पर भी पता किया गया, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई है। तब ग्रामीणों के द्वारा डायल 100 को सूचित किया गया। डायल 100 मौके पर पहुंचकर फर्जी लाइनमैन को गिरफ्तार कर ली है। वहीं फर्जी जेई मौका पाते ही फरार हो गया। फर्जी लाइनमैन ने अपना नाम अनिल सेन बताया है, जो कि जुड़मनिया का रहने वाला है। वहीं नईगढ़ी पुलिस के द्वारा ग्रामीणों की शिकायत पर विवेचना जारी है। इस मामले में नईगढ़ी के असली जेई को सूचना दी गई कि फर्जी जेई एवं लाइनमैन बनकर कुछ लोग गरीब किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन नईगढ़ी के असली जेई के कानों में जू तक नहीं रहेंगी और अनभिक्स बने रहे इस मामले से। अमरीश तिवारी हम नहीं जाने भैया, हमने नई गढ़ी डीसी के नाम। अरे भाई, देव तलाब सिंह संबंध है का संबंध है का देव तलाब सिंह संबंध है का है कौन नहीं है मोबाइल इनका ना दे भैया, फोन बात करी उनका बुलाई। ब्लैक शर्ट हेलो, नाम गाँव लिखे। हाँ, क्यों क्यों समझा क्या तू क्यों क्यों समझा क्या ठीक है तू नहीं जाने देंगे, बोल अब क्या करना है बोल। हाँ, बैठाए क्यों रहेंगे हम, अब लगाते सौ नंबर दे फिर सामने अच्छा क्यों रहने दिए। 100 नंबर लगाएंगे, चमड़ी उकेल लेंगे, आप उनको बुलाइए ना। कहाँ का वो आदमी है भाई, कहाँ किस डीसी से है वो। अरे तेरा कॉपी भी मैं ले लिया ना। अपना का नाम है राम सुशील पटेल, ग्राम बरोहा। अच्छा, ये मामला कैसन हुई का हुई? मामला ऐसा रहा कि आज 4 दिन से ये लोग गांव में फेरी दे रहे हैं। बताता था कि हमें बिजली विभाग से आयन है, अवैध पैसा वसूला था, तो कुछ जेके पास रहा था तो दई दिन, तत्काल जेके पास नहीं जाए तो कल का परसों का नरसों का वादा दे। कुछ ऐसे पेशेंट मिले हैं कि माने काल का फिर वादा दे रहे हैं कि साहब आज नहीं आए, कल आए के ले लें 200, 400, 500, 1000 रुपया जैसे जैसे वसूला था, तो वह मेरे के वसूला था। वहाँ से अपने घर के पास आए, चूंकि कनेक्शन सब कह रहे पे वहाँ खुला तार है, तो सब लुगिन टाइप के फंसावा था। तो जब फंसावा दिखिन तो वो वीडियो बनाई एक हमारा चचेरा भाई है राकेश पटेल, उनसे सामने सामना बात हुई। कहीं तो जो फील्ड का जो लाइन मैन है उसको जब फोन लगाए कि यहाँ कैसे क्या चल रहा है, तो बोले कि ठीक है लगाओ फोन। जब वो फोन लगाने लगा तो एक आदमी मोटरसाइकिल में बैठ के भाग गया और एक फंस गया। वो अपना नाम बताता है अनिल सेन, लगभग उम्र 22 वर्ष है। कहाँ का है? जुड़मनिया निवासी बता रहा है। और अन्य लोग कहाँ गए? अन्य लोग एक तो वो निकल गया मोटरसाइकिल लेके, और बाकी लोग घर के बीच की बात थी, 10-5 लोग इकट्ठा जमा हो गए, उसको पकड़ उकड़ करके पूछने आछने लगे। लाइनमैन क्या बताया? लाइनमैन को तुरंत फोन करके बुलाया गया। लाइनमैन बोलता है ये हमारे फील्ड का आदमी नहीं है,
वो बोलते हैं वो लोग के हम देवतला से आए हैं। भाई देवतला से यहाँ कोई संबंध तो है नहीं बिजली का, उनका मैटर अलग है, ये देवतला का फैटर अलग है, नई गढ़ी का अलग है। तो इस संबंध में जब हम लोग फील्ड का लाइनमैन बुलाए तो वह पर्ची ठहराए गए। उसके बाद पूछाछ होने लगी, पूछाछ होने लगी, इसके बाद बताओ भाई क्या कैसा है। आपने पुलिस को सूचित किया कि नहीं? पुलिस को सूचित किए, उसके पूछताछ करने के बाद जब क्लियर नहीं बताया कि भाई कि बताओ या तो उसको बुलाओ तभी तुमको छोड़ेंगे, तो उससे फोन से बातें होने लगी। वो बोलता है कि भैया यहाँ आओ वहाँ आओ, हमने क्या क्यों जाए दूसरी जगह। फिर उसके बाद हमने पुलिस कंप्लेंट की है। 3:30 बजे के लगभग 4 के आसपास पुलिस आई और उस बंदे को बैठा के नई गढ़ी ले गई, नई गढ़ी में बैठा लिए हैं। अब फिलहाल जो कार्रवाई हो रही होगी उसकी जानकारी नहीं है हमारे पास। ठीक, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।